हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्स आइडियाज। आप आज जो वीडियो देख रहे हैं ये एक स्कूल प्रोजेक्ट है जो कि मैंने अपने बेटे के स्कूल के लिए बनाया था। सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं। इसको बनाने के लिए मैंने ओनली चार्ट पेपर ही खरीदा है बाहर से, बाकी सारी चीज़ें घर घर की ही हैं जो कि काम में नहीं आती है और हम उसको थ्रो कर देते हैं। तो जैसे ही मुझे नोटिस मिला स्कूल से कि लैंड प्रोजेक्ट का एक मॉडल बनाना है, तो सबसे पहले मैंने अपने घर पे देखा कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मैं यूज़ कर सकती हूँ, फिर मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया। तो आप लोग भी कुछ बाहर से खरीदने से पहले एक बार घर में ज़रूर चेक कीजिए। यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड लिया हुआ है जो बहुत पुराना था, और एक ब्लैक कलर का थिक चार्ट पेपर है, उसको मैंने फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट किया हुआ है। उसको हल्का सा ड्राई होने के बाद ये सारे छोटे छोटे बॉक्सेस हैं खाली पड़े हुए थे जो हम थ्रो कर देते हैं, उसको मैंने कलरफुल चार्ट पेपर से पेस्ट किया है। अलग अलग आपके अकॉर्डिंग आप कौन से बिल्डिंग को कौन सा कलर देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको कलरफुल चार्ट पेपर से पेस्ट कर दीजिए। इस बॉक्स की हेल्प से मैं हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने का ट्राई कर रही हूँ। ये कुछ और भी एंट्री बॉक्सेस हैं जिनसे मैं एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और एक स्कूल और ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने का ट्राई कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हैं। मेरी इस प्रोजेक्ट में मुझे कुछ बिल्डिंग्स बनानी है एंड रोड बनाना है, तो आगे आप देखेंगे कि वो कैसे बनाते हैं। बहुत ही ईजी है। ट्रैफिक लाइट बनाने का ट्राई कर रही हूँ। उसके लिए मैंने एक आइसक्रीम स्टिक लिया है और एक थिक पेपर लिया है छोटा सा, उसको मैंने आइसक्रीम स्टिक के अराउंड पेस्ट किया है। और एक छोटा सा कैप लेंगे और कैप की हेल्प से हम राउंड तीन राउंड बनाएंगे, तीन सर्कल छोटा छोटा जो हम ट्रैफिक सिग्नल से हम देखते हैं। और उसको बनाने के बाद हम किसी भी कलर से क्रेयॉन हो या स्केच पेन हो आप उसको कलर कर दीजिए। ये बन गया हमारा इजी सा क्विक सा ट्रैफिक लाइट।